नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सियासी तकरार किसी से भी नहीं छिपी है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों में घमासान हो जाता है। जी हाँ, किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपसी टकराव यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। शराब नीति हो, स्कूलों की स्थिति के बाद अब मामला कूड़े की समस्या तक आ पहुँचा है। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान चला रही है। 14 अक्टूबर तक चलने वाला ये अभियान 3 चरणों में पूरा होगा। आम आदमी पार्टी ने इस अभियान के लिए नारा दिया है, बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। बुधवार को आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे। गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आम आदमी पार्टी ने कूड़ा विरोधी अभियान की शुरुआत की। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना, कुलदीप कुमार, रोहित कुमार, पूर्व विधायक नितिन त्यागी के अलावा दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंपिंग यार्ड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर आप विधायक आतिशी ने कहा कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का MCT में शासन है। इस दौरान दिल्ली में सफाई के हालात बद से बदतर हैं। दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो सिर्फ गंदगी ही दिखती है। दिल्ली में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी के कूड़े से अनजान है। बीजेपी के कूड़े के पहाड़ों ने दिल्ली वालों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। हमारी टीम लोगों को कूड़े के पहाड़ दिखाने पहुंची तो उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि 17 साल में बीजेपी ने ये ताजमहल बनाए हैं, अब दिखाने में शर्म क्यों आ रही है? लोगों को इसे देखने का पूरा हक है। बीजेपी कितना डरती है? कूड़े के पहाड़ के पास पुलिस ने रोका, कूड़े के पहाड़ पर इतना काम किया है तो डरना क्यों? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने एक अभियान शुरू किया है, बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, कि 15 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप दिल्ली के अंदर घुसिए तो सबसे पहले आपको कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। जब आप दिल्ली के अंदर घुसिए, दिल्ली वालों के कोई रिश्तेदार दिल्ली आते हैं तो वो उन्हें कहते हैं, जब जब दिल्ली वालों के रिश्तेदार आते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि कैसे पता चलेगा दिल्ली आ गई, तो वो कहते हैं जी जैसे कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा आपको पता है दिल्ली आ गई, कि आप हमारे घर पहुंचने वाले हैं। तो ये तो दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, आज ये नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस हमें क्यों रोक रही है। भाई ये पहाड़ तो 2 किलोमीटर दूर से दिखता है, तो आप अगर हमें उसके पास आने से रोकेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है वो दिखना बंद हो जाएगा। वो दिखना तो तब बंद होगा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करना बंद करेगी। अब आप ही बताइए, सारे अफसर यहाँ पे खड़े हैं, क्या यहाँ से खड़े हो कि वो पहाड़ नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। दिल्ली वाले उस पहाड़ को देखना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से 15 साल में भाजपा ने MCD में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। पर पुलिस को लगता है कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के हमें दिल्ली वालों को रोक देंगे। ये कूड़ा कौन सा समाया पर इसमें समझ में नहीं आया अभी तक। देखिए, उस पर भी जो जनता के ऑब्जेक्शंस हैं हमने सब लोगों को बोला है कि क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो परिसीमन के लिए फीडबैक दें, तो पब्लिक भी अपना फीडबैक देगी, हम भी अपना फीडबैक देंगे कि परिसीमन एक इक्वल तरीके से होना चाहिए, वरना एक वार्ड में 80,000 लोग होंगे, एक वार्ड में 40,000 लोग होंगे, पैसा तो हर वार्ड में बराबर लगता है ना, तो 80,000 जहाँ पे लोग होंगे उनको नुकसान होगा, उनका विकास कम होगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसे बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा नहीं किया। दिल्ली की जनता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कूड़े से परेशान है। दिल्ली वालों को इस बात की शर्म आती है कि जब भी कोई दिल्ली में प्रवेश करता है तो ये 3 कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत करते हैं। जब कोई रिश्तेदार बाहर से दिल्ली वालों से मिलने आता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हें ट्रेन में पता चल जाएगा कि दिल्ली कब आने वाली है, जब तुम्हें ट्रेन की खिड़की से कूड़े का पहाड़ दिख जाए इसका मतलब है कि दिल्ली आ गई है। आपका कूड़ा विरोधी अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा। बुधवार को जहां आतिशी गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे, तो गुरुवार को 15 सितंबर को सौरभ भारद्वाज के
नेतृत्व में आप कार्यकर्ता ओखला लैंडफिल साइट पहुंचेंगे। वहीं 16 सितंबर को दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से मुस्कान और अमरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।